जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है UPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर के प्रमुख कार्यों की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, वो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर दिया है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। मतलब अकबर के शासनकाल में सैन्य विभाग का जो प्रमुख था वो मीर बख्शी है। बस आपको याद रखिएगा कि मीर बख्शी सैन्य प्रमुख हुआ करता था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को दो बार न प्रस्तुत कर सके। घोड़ा दागने की प्रथा 1573 ईस्वी में अकबर ने फिर से स्टार्ट किया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि घोड़ों को दागने की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। अच्छा, ये क्यों किया गया? ताकि एक सेनापति अपना घोड़ा न बदल सके और एक घोड़ों को दो बार प्रस्तुत न कर सके। आगे दीवान शब्द फारसी भाषा का शब्द, तो देखिए ये हिंदी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हिंदी के पेपर में कई बार पूछा जाता है विभिन्न भाषाओं के जो शब्द होते हैं विदेशी शब्द, तो यहाँ से याद रखिएगा दीवान शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है। और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। उमर का जब शासनकाल होता है, शासनकाल का मतलब जब उमर खलीफा होता है, तो उस समय मुसलमानों ने दीवान पद को अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए किया करते थे। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। जो मनसबदारी प्रणाली ये मध्य एशिया से लिया गया है। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ने किया था। ये मनसबदारी प्रथा की मतलब जो लिया गया है ये चंगेज खां की सेना से लिया गया। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल एवं जबाती खासरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। तो सीधा सीधा याद रखना है कि जो अकबर के नौरत्न थे उसमें से टोडरमल जो है ये भू राजस्व के क्षेत्र से संबंधित थे, और भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन अकबर ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में 1580, जो इनके शासनकाल का 24वां वर्ष है 1580, क्योंकि इनका राज्याभिषेक 1556 में हुआ था, है ना, मैं आईने दहशाला नामक नई कर प्रणाली शुरू की, जो करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। देखिए, जो आईने दहशाला, इसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्टार्ट किसने किया था? टोडरमल ने किया था। फिर आगे, उस समय टोडरमल अर्थमंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। मतलब टोडरमल अर्थमंत्री मतलब वित्त विभाग से संबंधित था, और इसका सहायक होता है ख्वाजा शाह मंसूर। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया। देखिए, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था, है ना, इसे स्वतंत्र धर्म किसने माना है? दबिस्तान मजाहिब में बताया गया, ये रचना है मोहसिन फानी की, है ना, इसमें ये बताया गया कि दीन ए इलाही एक स्वतंत्र धर्म है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया, तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि परसी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। देखिए, तुर्की सुल्तान का महल, इसे स्थापत्य कला का मोती कहा जाता है, ये परसी ब्राउन ने कहा है।
पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था जो भारतीय बौद्ध विहारों का अनुरूप था। देखिए ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि ये टॉपिक भटक रहा है, तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चंस रखे गए हैं ना ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो वहाँ पर 4 विकल्प होते हैं, तो विकल्प के अनुसार ये डेटा को सेट किया गया। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 में की थी, ये हम लोगों ने पीछे भी देख रखा है ना, और फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी, और फतेहपुर सिकरी नगर जब बना था तो इसको अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए पहले जब अकबर शासक बना तो वहाँ पे आगरा राजधानी होती है ना, आगरा से ये अपनी राजधानी को फतेहपुर सिकरी करते हैं, और इसके बाद में से लाहौर स्थानांतरित कर दिया जाता है, हम लोगों ने पीछे देख रखा है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सिकरी में बुलंद दरवाजा है ना, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। फिर आगे जबकि परसी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया। देखिए आपको ये याद रखना है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया है। अब परसी ब्राउन मानते हैं कि दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में कराया गया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि गुजरात विजय के अभियान में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे किया गया। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया। देखिए सिकंदरा, ये सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर इस गांव को बसाया था, यहीं पर अकबर का मकबरा है ना। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया था। मतलब जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है इसको बनाने का योजना अकबर ने किया था, लेकिन इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी विशेषता इसका गुंबद विहीन होना, मतलब जो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में ये 5 मंजिल है, और इसकी मुख्य विशेषता इसमें गुंबद नहीं है। अकबर ने अपने राज कवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। देखिए हम लोगों ने पीछे भी देख रखा था, और इस अनुवाद विभाग का प्रमुख कार्य था विभिन्न भाषा के ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवादित करना। अकबर ने आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्मनामा के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था, है ना। जब कभी रज्मनामा का नाम आएगा तो इससे मुख्य रूप से बदायूनी जुड़े हैं, है ना, बाकी नकीब खां और फैजी इनके सहायक के तौर पर हैं, है ना। आगे है, इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, अबुल फजल ने कलिया दमन का फारसी अनुवाद किया। यहाँ पे याद रखिएगा, बदायूनी ने रामायण का स्थानांतरण किया है, मतलब रूपांतरण किया है, फैजी ने लीलावती का किया है, और कलिया दामन का अनुवाद अबुल फजल ने किया है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी, है ना। जरी कलम ये किसकी उपाधि है, ये उपाधि है मोहम्मद हुसैन की। ये कहाँ के रहने वाले हैं, कश्मीर के। हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा तथा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन ना और मतलब वन डे एग्जाम में कई बार बना है कि जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई और किसने दिया था। हरि विजय सूरी को अकबर ने प्रदान किया था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम अकबर की समकालीन, है ना, भारतीय राजा, मतलब ये देखिए बस इतना याद रखना कि एलिजाबेथ प्रथम, है ना, ये अकबर की समकालीन थी। देखिए एलिजाबेथ प्रथम हो गई, है ना, स्वामी रामदास हो गए, रामदास मतलब जो सिखों के चौथे गुरु थे, ये अकबर के समकालीन थे, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे दिया है कि दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी, और उस समय भारत में अकबर का शासन होता है। एलिजाबेथ प्रथम का काल 1533 से 1603 ईस्वी तक है, और अकबर का 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक है। रॉल्फ फिंच, है ना, तक ये समय दिया तक फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, मतलब रॉल्फ फिंच ये आगरा और फतेहपुर सिकरी आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना अकबर ने करवाई है ना, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों को के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मित और उलझगे हेग ने अचूक आज्ञा पत्र का है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। देखिए मजहर में का तात्पर्य था कि सभी धर्म से ऊपर अकबर है, और देखिए जो ये मजहर नामा है इसमें यही घोषणा किया गया था, है ना। और इबादत खाना मुख्य रूप से बनाया गया था कि इसमें सभी धर्मशास्त्री वाद विवाद करेंगे, और इसके बाद 1578 में सभी धर्मों को यहाँ आने की आज्ञा दे दी गई। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि अकबर स्वयं बसंत, होली, दीपावली जैसे त्योहारों में भाग लेता था।
इसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार कर लिया था, है ना। लेन पुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे स्पष्ट विशेषता थी। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों था। देखिए, अकबर हिंदू और मुस्लिम दोनों त्योहारों को समान रूप से मनाता था, तो इस वजह से हिंदू राजा भी एक साथ इसके साथ मिलकर रहते थे। महामनगा के पुत्र आदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था, और इसका कारण यह था कि अकबर के प्रधानमंत्री अतका खां की हत्या इसने आदम खां ने कर दिया था। ये सब पॉइंट कल की क्लास में भी आया था। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं बल्कि धार्मिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह एक कुल की नीति इसका सबसे प्रबल प्रमाण है। देखिए, जितने भी मुस्लिम शासक हुए उसमें अधिकांशतः धार्मिक कट्टर होते थे, लेकिन अकबर बिल्कुल भी धार्मिक कट्टर नहीं थे। ये धार्मिक सहिष्णु थे और उदार थे, इस वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्य सैन्य विभाग का अधिकारी था, तो ये तो हम लोगों ने पीछे ही देख रखा है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की भी आवश्यकता पड़ती थी। मतलब अगर 10 मनसबदार हैं मतलब तो उन्हें 20 घोड़े रखने होंगे ताकि युद्ध में आप आसानी से घोड़े बदल पाएं। अकबर कालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहशाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दहशाला पद्धति ये क्या है? बंदोबस्त व्यवस्था है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्म गुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया। देखिए, अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ है और एक और शासक के खिलाफ फतवा जारी हुआ है, वो दूसरे शासक का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था, तथा मीरक मिर्जा ग्यास के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, है ना, इसे जरूर याद रखिएगा। हुमायूं का जो मकबरा, इसे ताजमहल के पूर्वगामी का नाम दिया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। 1572 ईस्वी में सुलेमान करा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। देखिए, दाऊद खां को परास्त करने के लिए कौन आ रहा है? मुनीम खां, है ना। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गए, किंतु 12 मार्च 1576 ईस्वी को टोडरमल खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल और बिहार पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिल गया। देखिए, मुनीम खां अकबर का पहला संरक्षक होता है ना। इसके बाद टोडरमल और हुसैन कुली ये भी इसके दरबार में रहा करते थे। आगे अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं, है ना, जिनकी एक सूची आईने अकबरी, है ना, में मिलती है। में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, है ना। ये हम लोगों ने पीछे देखा, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि मिली थी। हरि विजय सूरी की भी बात हम लोगों ने पीछे कर रखा है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझाने की इच्छा से आहूत किया था। इनकी विद्यता तथा चिंतन एवं विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था। वह पशु पक्षियों के वध पर भी रोक लगा दी थी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जीन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है कि 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। मनसब शब्द का अर्थ होता है श्रेणी या फिर पद, है ना। मनसबदार का अर्थ है उस अधिकारी से जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित होती थी। अकबर ने आगरा में 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया, है ना। एक महल सह किले का भी निर्माण आरंभ किया। इनमें जोधाबाई महल, है ना। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब देखिए फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई महल, पंचमहल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। मतलब याद रखना है कि जो फतेहपुर सिकरी है ना, इसमें ये सब महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से डीप में क्वेश्चन आएगा तो फिर आप फंस जाएंगे, इसीलिए याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया कि अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीदे इलाही या फिर दीने इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया गया। दीने इलाही वास्तव में सूफीवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है ना। इस नवीन संप्रदाय का जो प्रधान पुरोहित है अबुल फजल था,
हिंदुओं में किसे केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था, बस इतना याद रखना। अब देखिए यहाँ पे दिया अकबर के प्रमुख अभियान, अब अभियान को क्रम में लगाने के लिए आता है, इस वजह से इसका कालक्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मालवा और मेड़ता है ना, ये 1562 में अभियान किया है ना, गढ़ कटंगा है ना 1564, मेवाड़ 1568, रणथंबोर और कालिंजर 1569 है ना, जोधपुर और बीकानेर 1570, गुजरात 1572, बंगाल और बिहार 1576, हल्दी घाटी ये भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, महाराणा प्रताप है ना 1576, काबुल 1581, कश्मीर 1591, और आगे बढ़ेंगे दोस्तों उड़ीसा 1592, कंधार और बलूचिस्तान 1595, फिर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो खानदेश 1591, अहमदनगर 1595 और असीरगढ़ विजय 1600-1606। अब देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिए, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश, मतलब अकबर ने कब किस शासक से कौन सा प्रदेश जीता है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए मालवा प्रदेश इसने बाज बहादुर से जीता था 1561 में है ना, और मुगल का जो सेनापति आदम खां और पीर मोहम्मद होते हैं है ना। चुनार इन्होंने अफगानों से जीता है 1562 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में। गोंडवाना ये वीर नारायण और दुर्गावती से 1564 में जीता है आसफ खां के नेतृत्व में। आमेर ये भारमल है ना, भारमल से जीतते हैं ना, और ये 1562 में है ना, भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी, और याद रखिएगा जो जोधा बाई हैं ये भारमल की पुत्री हैं ना, जोधा बाई ये भारमल की पुत्री है और इन्हीं से सलीम उत्पन्न होता है ना। आगे मेड़ता ये जैमल से जीता था 1562 में सरफुद्दीन की अध्यक्षता में है ना, या नेतृत्व में। मेवाड़ ये उदय सिंह और राणा प्रताप सिंह है ना 1568 में, यहाँ पर अकबर खुद आते हैं है ना। रणथंबोर ये सूरज नहाड़ा से जीतता है भगवान दास और अकबर के द्वारा है ना। कालिंजर की बात करेंगे रामचंद्र है ना मजनू खां काकसा यहाँ की अध्यक्षता करते हैं है ना। मारवाड़ ये राव चंद्र सिंह स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करते हैं है ना। इसके बाद रावल हरि राय जैसलमेर में ये भी स्वेच्छता से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। मुजफ्फर खां तृतीय ये सम्राट अकबर जाते हैं और इससे पहले बीकानेर के कल्याण मल भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, देखिए बंगाल बिहार अभी हम लोगों ने पीछे देखा है ना, दाऊद खां को हराते हैं मुनीम खां की अध्यक्षता में है ना। काबुल में हकीम मिर्जा परास्त होता है, मान सिंह और अकबर मिलकर परास्त करते हैं। कश्मीर में याकूब खां भगवान दास और कासिम खां की अध्यक्षता में परास्त होता है ना। उड़ीसा में निसार खां को परास्त करते हैं मान सिंह की अध्यक्षता में है ना। सिंध में जानी बेग ये अब्दुल रहीम खान खाना की अध्यक्षता में परास्त होता है। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे, बलूचिस्तान में पन्नी अफगान पराजित होता है 1595 में मीर मासूम की अध्यक्षता में, और कांधार मुजफ्फर हुसैन परास्त होता है 1595 में शाह बेग की अध्यक्षता में। तो ये दोस्तों हम लोगों ने अकबर के बारे में विस्तार से डन किया है पूरा टॉपिक, यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना है तो ऊपर दिए गए किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से सिर्फ व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जिन दोस्तों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।